सबसे पहले रुक करते हैं प्रदेश के प्रमुख गतिविधियों की ओर। कांग्रेस प्रभारी सुशील कुमार शिंदे ने संगठन में किसी भी बदलाव की बात को किया खारिज, चुनाव तक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिला कांगड़ा के विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में मुख्यमंत्री विजय सिंह के सुर एक बार फिर आए बदल के नजर। मुख्यमंत्री विजय सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच की दरार थमने का नहीं ले रही नाम। सोलन में पानी को लेकर चुनावी जंग हुई आरंभ, कांग्रेस और भाजपा दोनों आमने सामने खड़ी। हिमाचल की यात्रा पर गगन एयरपोर्ट पहुंचे कांग्रेस प्रभारी सुशील कुमार शिंदे ने संगठन में किसी भी बदलाव की बात को खारिज कर दिया है। मीडिया के एक सवाल के जवाब में शिंदे ने कहा कि चुनाव तक संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जिसको जो जिम्मेवारी मिली है वो उसी का निर्वहन करेगा। हिमाचल प्रदेश की यात्रा पर गगन एयरपोर्ट पहुँचे कांग्रेस प्रभारी सुशील कुमार शिंदे ने संगठन में किसी भी बदलाव की बात को खारिज किया है। मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए शिंदे ने कहा कि चुनाव तक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिसको जो जिम्मेदारी मिली है उसे वह निर्वहन करेगा। शिंदे ने दिल्ली में राहुल गांधी के साथ प्रदेश कांग्रेस के तमाम आला नेताओं के साथ हुई बैठकों के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में नेताओं की राहुल गांधी के साथ बैठक चुनाव को लेकर थी। राहुल गांधी ने चुनाव के मद्देनजर पीसीसी अध्यक्ष समेत तमाम नेताओं की ब्रीफिंग भी ली है। गौरतलब है कि इस बैठक को लेकर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को भी दिल्ली तलब किया गया था, लेकिन बारिश और सिरमौर जिले के प्रवास के वजह से वे वहां नहीं जा पाए थे। हालांकि तब पीसीसी अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत पार्टी के अन्य बड़े नेता कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हुए थे। फिलहाल प्रदेश प्रभारी सुशील कुमार शिंदे हिमाचल के चंबा समेत दूसरे जिलों के दौरे पर हैं और वे यहां बूथ स्तर पर पार्टी की मैनेजमेंट को जांचेंगे। कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी सुशील कुमार शिंदे व सह प्रभारी रंजीत रंजन का चंबा दौरा शुरू हो गया है। शिंदे अगले 3 दिन हिमाचल में कांग्रेस के चुनावी रथ पर सवार रहेंगे। वे सड़क मार्ग द्वारा चंबा जिला के सहुंता की तरफ रवाना हो गए हैं और कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, परिवहन मंत्री जीएस बाली व सांसद विप्लव ठाकुर ने उनका स्वागत किया। सर आपात बैठक बुलाई गई थी तो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी कल बैठक नहीं बुलाई गई थी, वो हम राहुल गांधी हमारे जो उपराष्ट्रपति अध्यक्ष है पार्टी के, उनको हम दोनों मैं और सेक्रेटरी साहबान ब्रीफिंग करने के लिए गए थे। जो पिछले बार यहाँ आ गए थे, शाहपुर में आ गए थे और सब दूर के कांगड़ा में, वो उसके लिए हम ब्रीफिंग करने के लिए गए। सर ये जो सुक्खू को बार बार हटाने की बात की जा रही, तो कोई ऐसा फैसला सामने आया है? अरे हमने बोला ना, कोई किसी को नहीं अभी हटा सकते हैं, बार अभी इलेक्शन है सामने, किसी को लड़ना है, सब मिलकर लड़ना है। दिल्ली से लेकर के आए हैं यहाँ पे? ये दिल्ली से लेकर मैं कुछ आया नहीं है, मैं तो खाली कोऑर्डिनेट करता हूँ। यही सभी एनर्जी है, इसी राज्य में एनर्जी है तो उसके। जिला कांगड़ा के विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सुर एक बार फिर बदलते नजर आ रहे हैं। एक और जहां पार्टी के प्रभारी सुशील कुमार शिंदे संगठन और सरकार को इकट्ठा करने में लगे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री को अभी तक फ्री हैंड की चिंता सता रही है। यही नहीं, इसके चलते मुख्यमंत्री ने बयान भी जारी कर दिया है। जिला कांगड़ा के विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सुर एक बार फिर से बदले नजर आए। एक ओर जहां पार्टी प्रभारी सुशील कुमार शिंदे संगठन और सरकार को इकट्ठा करने में लगे हैं, तो मुख्यमंत्री को अभी भी फ्री हैंड की चिंता सता रही है। यही नहीं, इसके चलते मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को बयान तक जारी कर दिया। फतेहपुर में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान मुझे फ्री हैंड नहीं देती है तो मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य पार्टी को जिताना है, चाहे किसी स्तर पर भी वे पार्टी की सेवा करें।
वहीं सीएम के इस बयान ने सियासी गलियारों की चर्चा एक बार फिर से गर्म कर दी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शिंदे के आते ही मुख्यमंत्री हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं कि यदि उन्हें फ्री हैंड नहीं मिला तो वे चुनाव नहीं लड़ेंगे और कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री चुनावों में फ्री हैंड को लेकर हाईकमान से मिल चुके हैं। हाईकमान से मिलने के बाद सीएम का कहना था कि मैं चुनाव लड़ूं या नहीं, लेकिन पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और चुनावी रण में जरूर कूदूंगा। लेकिन अब शिंदे के हिमाचल आने के बाद मुख्यमंत्री ने फिर से पासा फेंक दिया है। उनके कहने से क्या होता है? होता वही है जो कि जनता कहती है। मुझे तसल्ली है कि हमने न केवल इन 5 वर्षों में मगर मेरे जितने भी 6 कार्यकाल रहे हैं उनमें अद्भुत विकास हिमाचल प्रदेश का हुआ है। आज हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है मगर वो विकास की दृष्टि में जो बड़े बड़े राज्य है उसके मुकाबले में भी आगे है। और खुशी की बात है आज विकास आपको हर जगह पर मिलेगा, चाहे सड़कें हैं, चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। और इस तरह से जो लोगों का जीवन स्तर है वो ऊंचा हुआ है। और सरकार के वक्त में जो बड़े भारी पैमाने के ऊपर बेरोजगारों को रोजगार मिला है। सरकार की खींचतान होती है, मेरी तरफ से कोई खींचतान नहीं है, है ना, मेरे हिसाब से कोई पीछा नहीं है। और मित्र हमेशा इस फजूल की बहस में कभी हिस्सा नहीं लेता। मेरे पास समय नहीं है, मेरा सारा समय जो है वो गांव में जनता के बीच में है जहाँ वोट है। वोट किसी कमरे में ये भवन में नहीं होते। अभी जब चुनाव होने जा रहे हैं सर, देंगे तो कहीं करेंगे, नहीं करेंगे फिर मैं कांग्रेस का वर्कर तो हूँ ही, तो आप वर्कर के रूप में काम करूंगा। कार्यक्रम में वक्त हो चला है फर्स्ट ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अपने घर और ऑफिस को सुंदर बनाने के लिए आए सदाशिव फर्नीचर हाउस कांगू और ले जाएं बेहतर क्वालिटी का फर्नीचर जो आपके घर की सुंदरता में लगा दे 4 चांद। हमारे यहाँ दरवाजे, खिड़कियाँ, तुन्नी, सागवान, जामुन आदि लकड़ियों से किए जाते हैं तैयार। आपकी सुविधा के लिए हम तैयार करते हैं जाली बेड, गमला बेड, मकड़ी बेड, डिब्बा बेड, चांद बेड, फुल बेड। आपके डाइनिंग रूम की शोभा बढ़ाने के लिए सागवान लकड़ी से तैयार किए जाते हैं कैप्सूल, सिप, WC टाइप के डाइनिंग सेट। ऑफिस रिवॉल्विंग चेयर, स्टूल के साथ साथ पिलो, अलमीरा, गद्दे भी है हर रेंज में उपलब्ध। हमारे यहाँ सोफा एंड बेड, सेटी सोफा, 5 सीटर, 7 सीटर, मॉडल सोफा, कैप्सूल सोफा, स्टार सोफा इत्यादि अनुभवी कारीगरों द्वारा किए जाते हैं तैयार। अपने घर व ऑफिस की सुंदरता को बढ़ाने के लिए उपलब्ध है बेस्ट डिजाइन एंड क्वालिटी फर्नीचर, तो आए और ले जाएं बेहतर क्वालिटी का फर्नीचर। सदाशिव फर्नीचर हाउस, नियर हॉस्पिटल कांगू, तहसील नदौन, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। विमांशु एलिवेटर एंड एस्केलेटर फर्स्ट लिफ्ट शोरूम ऑफ नॉर्थ इंडिया इन हमीरपुर। आपके घर, ऑफिस, शोरूम या मॉल की जरूरत के अनुसार हम उपलब्ध करवाते हैं 15 विभिन्न मॉडलों की लिफ्टें। हमारे शोरूम में गूगल सर्च डिजाइन और कस्टमर की सुविधा अनुसार डिजाइनर लिफ्ट भी करवाई जाती है तैयार। अपनी लिफ्टों में हम दे रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मानकों से मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट फुली टच सिस्टम के साथ हर आधुनिक सुविधा घर द्वार पर। विमांशु के 18 इंजीनियर आपको देते हैं AMC के माध्यम से हर साल में 12 सर्विसेज। कंपनी के 24 आवर्स कॉल बैक सर्विस से लिफ्ट ब्रेक डाउन के 2 घंटे के अंदर दी जाती है सर्विस। हमारी टेक्निकल इंजीनियर सेवा के लिए मोबाइल पर है एक्टिव। अदर फीचर्स लाइक डायरेक्ट लैंडिंग जनरेटेड मोटर, ह्यूमन बॉडी सेंसर, ऑटो अटेंडेंट, कार्ड लॉकिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस, मोबाइल ऑपरेटर सिस्टम, टचलेस COP एंड LOP आल्सो अवेलेबल।
तो आएं विमानशु एलिवेटर एंड एस्केलेटर और बनवाएं लिफ्ट वो भी अपनी सुविधा अनुसार। विमानशु एलिवेटर एंड एस्केलेटर नियर डिग्री कॉलेज अनु हमीरपुर। सुप्रीम डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी कम क्लिनिकल सेंटर हमीरपुर। हमीरपुर में आपकी विश्वसनीय लेबोरेटरी जो 23 वर्षों से दे रही है बेहतर सेवाएं। सेंटर में उपलब्ध है लेटेस्ट और हाईटेक मशीनरी व उपकरण। सुप्रीम लेबोरेटरी में बायोपी, पैप्समियर, एफएनएसी, हार्मोनल पैनल, थायराइड, एचबीएआईसी, पीएसए जैसे टेस्ट करवाने की सुविधा उपलब्ध। साथ ही रक्त कैंसर, गांठों, स्तन कैंसर, मांसपेशियों के कैंसर की टेस्ट सुविधा भी उपलब्ध। सुप्रीम लेबोरेटरी दे रहा है ईसीजी, सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी, एलआईपीआईडी, प्रोफाइल कल्चर एंड सेंसिटिविटी। सुप्रीम लेबोरेटरी में अनुभवी डॉक्टर अनुराधा शर्मा एमडी पैथोलॉजी व शिमला आईजीएमसी के अनुभवी इन्वेस्टिगेटर एएन शर्मा की देखरेख में मरीज के हर टेस्ट की रिपोर्ट दी जाती है। 24 घंटे सर्विस उपलब्ध, रविवार को भी सेवाएं जारी। घर से भी टेस्ट लेकर रिपोर्ट भेजने की व्यवस्था। सुप्रीम डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी कम क्लिनिकल सेंटर नियर रीजनल हॉस्पिटल हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। कॉन्टैक्ट 01972223790, मोबाइल 9817162608। रोहित ट्रेडिंग कंपनी सुजानपुर। हमारे यहाँ उपलब्ध है अंबुजा सीमेंट जो आपके घर व दीवारों को बनाए मजबूत। घर की छत को मजबूत व सुंदर बनाने के लिए हमारे यहाँ हर तरह की कलरफुल सीट है उपलब्ध जो आपके घर की छत को बनाए आकर्षक। हम देते हैं अपने सामान की पूरी गारंटी। हमारे यहाँ आप पाएंगे टीएमटी सरिया, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ टाटा टिस्कॉन। हो बातें सपनों की, लो अपनों की एडवाइस। हो बातें प्यार की, सोचो नॉट ट्वाइस। नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। हो खुशियाँ अपनों की, बनो थोड़ा वाइस। टाटा टिस्कॉन अटूट जोड़ के साथ इंडिया बोले लाइफ में नो कॉम्प्रोमाइज। नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। घर की चार दीवारी के लिए ले जाएं एंगल पत्ती। आपके घर की छतों को निखारने के लिए कलर सीट के साथ जीआई सीट की भी है भारी रेंज। इसके साथ ही आप पाएंगे पीवीसी पाइप्स, जीसी पाइप्स, हर तरह की पानी की भी टंकियों की है भारी रेंज। सुंदर घर स्वपन आपका, सहयोग हमारा। अपने घर के सपनों को साकार करने के लिए आज ही पधारे रोहित ट्रेडिंग कंपनी नियर ब्यास प्रिंस आलमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। हमारा नंबर है 9816452111, 9816335144। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच की दरार कमती नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुशील कुमार शिंदे हिमाचल दौरे पर हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह लगातार पार्टी हाईकमान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा, जब मैं पीसीसी का अध्यक्ष था तब सुक्खू प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। मैं तो पार्टी का आदमी हूं और किसी भी अध्यक्षता में चुनाव लड़ना ना लड़ना समय तय करेगा, ये व्यक्ति अपने अपने स्थान से चुनाव लड़ेगा। मुख्यमंत्री के बयान से एक बात साफ है कि वे अब भी सुक्खू को हटाने की जिद में अड़े हैं और इसके लिए लगातार पार्टी हाईकमान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान महान योद्धा महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ साथ पौंग जलाशय के साथ तैयार 3000 किलोग्राम वजन की ये 15 फीट ऊंची और 16 फीट लंबी प्रतिमा का अनावरण किया है। इसके निर्माण पर लगभग 50 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इस मौके पर उनके साथ ऊर्जा मंत्री सुजान सिंह पठानिया, अन्य पिछड़ा वर्ग के उपाध्यक्ष चंद्र कुमार, राजपूत सभा कांगड़ा के अध्यक्ष कुलदीप ठाकुर मौजूद रहे। सुक्खू जी को हटाया नहीं जाएगा और संगठन और सरकार जो भी काम कर रहा है वही काम होगा, उनकी राय होगी। सर, सुक्खू की अध्यक्षता में क्या आप चुनाव लड़ेंगे? मैं पार्टी का आदमी हूँ। जब मैं पीसीसी का प्रेसिडेंट था तब वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। तो क्या सर आप लड़ने का सुप्रीम पहले नहीं होता, हालांकि आप अपने स्थान पर चुनाव लड़ेगा। चलो, नगर परिषद भवानी में बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता नगर परिषद की अध्यक्षा गीता महासन द्वारा की गई। ये बैठक नगर परिषद के विभिन्न क्षेत्रों में पड़े
कूड़े को लेकर की गई। बैठक में शहर की बुद्धिजीवियों व्यापार मंडल के प्रधान वर्तमान पार्षद व पूर्व में रहे अध्यक्ष उपाध्यक्ष एनजीओ इत्यादि को निमंत्रित किया गया था। घुमारवीं नगर परिषद की बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता नगर परिषद की अध्यक्षा गीता महाजन ने की। बैठक में नगर परिषद के विभिन्न क्षेत्रों में पड़े हुए कूड़े को लेकर चर्चा की गई। साथ ही शहर के बुद्धिजीवियों व्यापार मंडल के प्रधान वर्तमान पार्षदों व पूर्व में रहे अध्यक्ष उपाध्यक्ष एनजीओ व ग्रीन घुमारवीं के अध्यक्ष भाजपा शहरी इकाई व कांग्रेस शहरी इकाई अध्यक्षों को भी इस बैठक में आमंत्रित किया गया था। बैठक में मौजूदा सभी लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए तथा सुझाव दिए कि किस तरह घुमारवीं शहर को स्वच्छ बनाने में अपना सहयोग किया जाए। शहर में आजकल जगह जगह कूड़े के ढेर देखने को मिल रहे हैं। उसका कारण है कि जिस जगह कूड़ा फेंका जाता है उस डंपिंग साइट को जाने वाली सड़क मार्ग गत दिनों बारिश के कारण बह गई है। ये नगर परिषद द्वारा लीज पर ली गई थी तथा अब वहां पर भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं कि कूड़ा वहां ना फेंका जाए। इस मुद्दे के ऊपर नगर परिषद ने बैठक का आयोजन किया था। बैठक में मौजूदा सभी लोगों ने अपने सुझाव दिए कि जब तक स्थायी समाधान नहीं होता है तब तक सभी पार्षद अपने वार्ड में गड्ढा खुदवाकर उस गड्ढे में कूड़े को दबा दें और ये पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके के साथ किया जाए ताकि बाद में कोई समस्या ना हो। आजकल कूड़े की ज्यादा प्रॉब्लम चली हुई है बाजार में, तो कूड़े के लिए जो हमें जगह सिलेक्ट की हुई थी तो कुछ लोगों ने उधर विरोध किया, तो हम भी चाहते हैं कि चलो लोग हमारा सहयोग करें तो उधर भी कूड़ा संयंत्र के लिए जगह सिलेक्ट कर लेंगे। विधानसभा चुनावों की तैयारियों के संबंध में मंडी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के लिए नियुक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर ऑफिसर, नोडल ऑफिसर, ईवीएम मास्टर ट्रेनर तथा चुनाव के लिए गठित विभिन्न चुनाव आय व्यय मॉनिटरिंग टीमों को प्रशिक्षण व आवश्यक दिशा निर्देश देने हेतु उपायुक्त सभागार मंडी में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसका शुभारंभ निर्वाचन अधिकारी 33 मंडी विधानसभा क्षेत्र के एवं एसडीएम सदर पूजा चौहान ने किया। विधानसभा चुनावों की तैयारी के संबंध में मंडी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के लिए नियुक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर ऑफिसर, नोडल ऑफिसर, ईवीएम मास्टर ट्रेनर तथा चुनाव के लिए गठित विभिन्न चुनाव आय व्यय मॉनिटरिंग टीमों को प्रशिक्षण व आवश्यक दिशा निर्देश देने हेतु उपायुक्त कार्यालय सभागार मंडी में कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसका शुभारंभ निर्वाचन अधिकारी 33 मंडी विधानसभा क्षेत्र एवं एसडीएम सदर पूजा चौहान ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए निर्वाचन कार्यों से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों का अहम योगदान होता है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी व कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस कार्य को संपन्न करें। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव प्रक्रिया हेतु ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन का हिमाचल प्रदेश में पहली बार अपनाया जाएगा जिससे 7 सेकंड के लिए मतदाता को ये दिख जाएगा कि उसने किस उम्मीदवार को मत दिया है। उन्होंने बताया कि 33 मंडी सदर में 104 पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं जिनमें से 17 पर वेब कंसाइंट के तहत देश विदेश में भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर मतदान प्रक्रिया को देखा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त चुनाव प्रक्रिया के दौरान सूचना तकनीकी का भी अधिक से अधिक प्रयोग किया जाएगा ताकि सूचनाओं के आदान प्रदान में भी किसी प्रकार की देरी ना हो। उन्होंने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन किया जाएगा तथा किसी को भी इसका उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी पंचायतों में वीवीपैट मशीनों का प्रदर्शन किया जाएगा ताकि लोगों को इसके बारे में सभी जानकारी मिल सके। पूजा चौहान ने मतदान प्रक्रिया के लिए गठित विभिन्न टीमों का आह्वान किया कि वे समय रहते सभी तैयारियां पूरी कर लें। उन्होंने युवा मतदाताओं तथा उन मतदाताओं का भी आह्वान किया जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे अपने नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाएं ताकि वे आगामी विधानसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग कर सकें। हमें एज अ टीम संभालना है, बहुत सी बात इन्होंने कह दी है, मेरी ओर से आपका स्वागत है। इसमें वेरियस लेवल्स हैव बीन इंक्लूडेड हियर, एक फेमिलियरिटी आपस में हो जाए हमें, और आपका स्वागत है यहाँ। मैं ये भी साथ में कहना चाहूंगी कि ये इलेक्शन में जब हम काम करते हैं, हम लोग सारे ही सरकारी सेवा में हैं, लेकिन हम इसमें कहीं ना कहीं बहुत ही
एग्जैम्पलरी हमारा कंट्रीब्यूशन होता है और आई बिलीव कि डेमोक्रेसी को स्थापित रखने के लिए ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है और इसके पीछे एक थोड़ी सी है वो भी है कि हम डेमोक्रेसी को सुरक्षित और स्थापित रहे सस्टेन करें इसलिए भी काम कर रहे हैं। तो जो अलग टीम्स बनी हुई हैं उनका क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि कोई ये ना सोचे जो यहाँ बैठा है कि मेरा काम उससे कम है या उससे है जरूरी है, उतना जरूरी नहीं है जितना उनका है। यहाँ पे हर एक पक्ष, हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान, हर एक पोस्ट जो संभालेगा, जिस कैपेसिटी में संभालेगा, उसका अपना एक रोल है, उसकी एक इम्पोर्टेंस है और उसकी हमारे लिए एक अच्छा इलेक्शन और एक सौहार्दपूर्ण तरीके से एक इलेक्शन करवाने में बहुत बड़ा रोल होता है। आपसी तालमेल आप लोग जैसे मिलते रहेंगे स्थापित होता चला जाएगा और वो होना भी चाहिए क्योंकि इलेक्शन इज नथिंग बट टीम वर्क एंड आई वेलकम दिस टीम। मैं फर्स्ट टाइम एज रिटर्निंग ऑफिसर काम करूंगी तो मुझे तो आप जो पुराने लोग इसमें रहे हैं उनका सहयोग, उनका साथ, मशवरा, सलाह करियर को लेकर परेशान, परेशानी को कहें बाय बाय। करियर से जुड़ी हर परेशानी का हल हिमाचल प्रदेश के प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी ITI एवं नंबर वन संस्थान ज्योत्सना ITI। यहां से आप मैकेनिक मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, प्लम्बर का डिप्लोमा हासिल कर सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं या फिर अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। 40 कनाल भूमि में फैले हुए इस विशाल कैंपस में आपको मिलेगा खेल का मैदान, विशाल लाइब्रेरी, कंप्यूटर शिक्षा, स्थायी एवं अनुभवी स्टाफ और छात्र निवास की सुविधा। कॉन्टैक्ट अस ज्योत्सना ITI ISO 29990-2010 सर्टिफाइड ज्योत्सना कॉम्प्लेक्स लोहारी जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। रोशन ज्वेलर्स गांधी चौक हमीरपुर, हॉलमार्क प्रमाणित सोने, हीरे व चांदी की ज्वेलरी अनमोल, आप ही की तरह। मंगलसूत्र, सेट, चेन, टॉप्स, बालियां, चेन सेट, पेंडेंट सेट, अंगूठियां, कड़े, ब्रेसलेट, चूड़ियां और घड़ियां आकर्षक डिजाइनों में हर समय तैयार और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। अस्मी डायमंड ज्वेलरी फॉर द वुमेन ऑफ स्पिरिट और डी डमास द लीडिंग ज्वेलर्स ऑफ द वर्ल्ड की डायमंड ज्वेलरी भी रोशन ज्वेलर्स में उपलब्ध है। ग्रहों व राशियों के नग, नीलम, पुखराज, पन्ना, माणिक, मूंगा, मोती इत्यादि और सोने व चांदी की मूर्तियां भी उपलब्ध हैं। अपने आप को और अपनी दुल्हन के सौंदर्य को निखारने वाले आकर्षक गहनों के लिए आपका रोशन ज्वेलर्स में स्वागत है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रोशन ज्वेलर्स, गांधी चौक, हमीरपुर। संजीव साड़ी हमीरपुर में सूट, साड़ी, लहंगा का अनूठा फिक्स प्राइस शोरूम, जहां खास आपके लिए हम लाए हैं मन भावन रंगों व डिजाइनों की साड़ियां। संजीव साड़ीज में आप पाएंगे फॉर्मल साड़ी से लेकर पार्टी वियर साड़ी तक की अनूठी रेंज। फाइन एम्ब्रॉयडरी वर्क में उपलब्ध बेडिंग स्पेशल रेंज आपको चौंका देगी। संजीव साड़ी में स्कूल, कॉलेज, फेयरवेल पार्टीज के लिए विशेष रेंज की डिजाइनर साड़ियां भी हैं उपलब्ध। संजीव साड़ी के एक्सक्लूसिव लहंगा सेक्शन में उपलब्ध है अलग अलग रेंज और डिजाइनों के लहंगों का कपड़ा। ब्राइडल लहंगा आल्सो अवेलेबल। संजीव साड़ी के लेडीज सूट कलेक्शन में उपलब्ध है डिफरेंट फैब्रिक और लेटेस्ट ट्रेंड के सूट्स। शोरूम के जेंट सेक्शन में रेडीमेड कोट पैंट के साथ साथ कोट पैंट और पैंट शर्ट का कपड़ा भी है उपलब्ध। तो शादी, विवाह और अन्य अवसरों पर कपड़े की जरूरत के लिए कहीं और ना पड़े जाना क्योंकि संजीव साड़ी में है सूट, साड़ी और लहंगा का अनूठा खजाना। संजीव साड़ी, दीप क्लोथ मार्केट, मेन बाजार, हमीरपुर।
आरके हॉस्पिटल हमीरपुर अब नई और एक्सपर्ट्स डॉक्टर की अनुभवी टीम ला चुका है आपके शहर हमीरपुर में। डॉक्टर रवि वर्धन, प्रोपराइटर आरके हॉस्पिटल, डॉक्टर संजीव शर्मा एमएस ऑर्थो, डॉक्टर अमित श्रीवास्तव एमएस गायनी, डॉक्टर एमएन कमाल एमडी पीडियाट्रिक, डॉक्टर केतन फिजियोथेरेपिस्ट। विजिटिंग डॉक्टर्स हैं डॉक्टर मोहित वालिया डीएम कार्डियोलॉजी, डॉक्टर सुशील राही डीएम न्यूरोलॉजी एंड डॉक्टर सनी बिर्डी डीएम पल्मोनरी। दिमाग और फेफड़ों की बीमारियों के डॉक्टर हर महीने के पहले शनिवार को, साथ ही हृदय रोग विशेषज्ञ हर महीने के पहले बुधवार को, साथ ही आरके हॉस्पिटल में हड्डी की चोट या फ्रैक्चर का इलाज, नॉर्मल डिलीवरी, इमरजेंसी सिजेरियन, बच्चों के विशेषज्ञ, NICU, PICU जैसी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध, 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा। आरके हॉस्पिटल नाउ ISO 9001:2015 सर्टिफाइड, ऑपोजिट संत निरंकारी भवन, नियर हथली ब्रिज, भोटा रोड, हमीरपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत को चीन या अमेरिका नहीं बनने देंगे, भारत को भारत ही रहने देंगे। राजनीति में परिवर्तन की आवश्यकता है और ये पार्टी आम जनता के सामने कांग्रेस और भाजपा के बाद एक अच्छा विकल्प है। ये शब्द भारत स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविन्द्र पांडे व उपाध्यक्ष बलदेव राजपूत ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहे। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान मापदंडों पर खरे उतरने वाले उम्मीदवारों को ही पार्टी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतारेगी। भारत को चीन या अमेरिका नहीं बनने देंगे, भारत को भारत ही रहने दो। राजनीति में आमूलन परिवर्तन की आवश्यकता है और ये पार्टी आम जनता के सामने कांग्रेस और भाजपा के बाद अच्छा विकल्प साबित होगी। ये शब्द भारत स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे व उपाध्यक्ष बलदेव राज सूद ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहे। उन्होंने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि मापदंडों पर खरे उतरने वाले उम्मीदवारों को ही पार्टी हिमाचल विधानसभा चुनाव में उतारेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी 20 उम्मीदवारों की शीघ्र ही सूची भी जारी करने वाली है, जिसका ऐलान नवरात्रों में विधिवत रूप से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पार्टी ईमानदार योग्य प्रत्याशी चुनावी मैदान में हर विधानसभा क्षेत्र से उतारेगी। उन्होंने बताया कि पार्टी का 24 नवंबर 2014 को पंजीकरण हुआ था और अब तक पार्टी 3 राज्यों में चुनाव लड़ चुकी है। उनकी पार्टी गैर मान्यता प्राप्त है। भारत स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे का कहना है कि मौजूदा राजनीतिक दल नैतिक आचरण का उल्लंघन करने में संकोच नहीं करते हैं, जो पहले कांग्रेस करती थी अब भाजपा कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व में देश के प्रधानमंत्री आधार का विरोध करते रहे और FDI का भी विरोध करते थे, प्रचून में FDI नहीं लाना चाहते थे, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद उनके विचार बदल चुके हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा को 29 अधिकार हैं, लेकिन कोई भी सरकार उन्हें अधिकार नहीं दे पाई है। पांडे का कहना है कि उनकी पार्टी भारत को असल भारत बनाना चाहती है, जो आम पार्टी के हित में होगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था अंग्रेजों की समय की है, जिसका उद्देश्य शोषण करना और अपना हित साधना है। इस अवसर पर उनके साथ राम मोहन दास सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। हम लोग 24 नवंबर 2014 को इस पार्टी का गठन हुआ, पंजीकृत हुई ये पार्टी। अभी तक हम 3 राज्यों में चुनाव लड़ चुके हैं, बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश। अब इस हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी शिरकत करेंगे। हम बाकी दलों से अलग धारा के विपरीत तैर रहे हैं। हम देश की राजनीति को मूल्यों और मुद्दों की पटरी में लाना चाहते हैं, इसलिए हम आधारभूत रूप से व्यवस्था का परिवर्तन और मानव केंद्रित विकास के स्थान पर प्रकृति केंद्रित विकास पर जोर देते हैं। इसके अलावा हम राजनीति में शुचिता और सादगी, इसको भी स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए हम प्रत्याशी के चयन में कठोर मापदंडों का उपयोग करते हैं। हमने कुछ अपने आप पर अनुशासन बनाकर रखा है। लगभग 20 स्थानों पर हमको कुछ पात्र लोग मिल गए हैं, बाकी स्थानों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं।
हमारे मापदंड के अनुकूल लोग मिलेंगे तभी हम चुनाव लड़ाएंगे, अन्यथा चुनाव नहीं लड़ाएंगे। हम देश की राजनीति में परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई सीट जीतना या सरकार बनाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन करना ये हमारा ध्येय। सोलन में ब्लू व्हेल गेम पर चिकित्सक कैलाश राशन ने सलाह दी है कि गोली नहीं माँ बाप का प्यार से ही इस गेम से छुटकारा दिलाया जा सकता है, जिसके चलते माँ बाप को अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना होगा। बच्चों की हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखनी होगी, उन्हें इंटरनेट से दूर रखना जरूरी है। ब्लू व्हेल गेम पर चिकित्सक कैलाश परमार ने सलाह दी है कि माता पिता बच्चे को डांटे नहीं बल्कि प्यार से समझाएं। ब्लू व्हेल गेम से छुटकारा इसी तौर से मिल सकता है कि माँ बाप अपने बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करें और बच्चों की हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखें। उन्होंने कहा कि बच्चों को इंटरनेट और मोबाइल गेम से दूर रखना अति आवश्यक है। वहीं स्कूल की प्रधानाचार्य प्रोमिला ने कहा कि वे बच्चों पर पैनी नजर रखे हैं और उनकी बाजुओं का समय समय पर चेकअप भी किया जा रहा है और जरूरी हिदायतें जिला प्रशासन द्वारा दी जा रही हैं उन्हें भी पूरा किया जा रहा है। नए वक्त का नया अंदाज, मिलाइए जमाने से कदम ताल। फेस टू फेस ब्यूटी सैलून जो निखारे आपकी त्वचा को और दे आपकी खूबसूरती को नया मकाम। स्किन ट्रीटमेंट, फेशियल, पॉलिशिंग के साथ साथ बालों के लिए हेयर कट, हेयर स्पा, डीप कंडीशनिंग, रिमॉन्डिंग और स्मूदिंग की फैसिलिटी भी है उपलब्ध। दुल्हन के साज सिंगार के लिए स्पेशल ब्राइडल ड्रेसेस और ज्वेलरी के अलावा एयर ब्रश, मेकअप तथा स्टूडियो मेकअप की दी जा रही है सुविधा। डिफरेंट प्री ब्राइडल एंड ब्राइडल पैकेज आर आल्सो अवेलेबल। आप लगे हर महफिल की जान, इसके लिए पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ज्वेलरी का भी है इंतजाम। स्पेशल स्टूडेंट पैकेज आर आल्सो अवेलेबल। तो आज ही आए फेस टू फेस सैलून। हमारा पता है शॉप नंबर 2829, फर्स्ट फ्लोर, रोशन कॉम्प्लेक्स नियर गांधी चौक, हमीरपुर। हमारा नंबर है 9816845204, 9816965204। SRK ट्रेडर्स हमीरपुर, जहां आप आ सकते हैं पहली बार। स्कूल, कॉलेज और स्पोर्ट्स से संबंधित हर तरह की ड्रेसेस SRK ट्रेडर्स, जहां उपलब्ध है स्कूल कॉलेज की ड्रेसेस, शर्ट्स, पैंट्स, स्कर्ट्स, स्कूल बैग्स, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्कूल शूज, लैब कोट, फुल हाफ स्लीव्स, पुलओवर्स, ब्लेजर्स, जैकेट्स फॉर किंडरगार्टन चिल्ड्रन। स्पोर्ट्स आर्टिकल्स में हम आपके लिए लेकर आए हैं अलग अलग तरह के गेम्स इक्विपमेंट्स और जिमनेजियम इक्विपमेंट्स। साथ ही SRK ट्रेडर्स में आप पा सकते हैं एनुअल फंक्शंस, फेयरवेल्स, सेमिनार्स, पार्टी, रिटायरमेंट और टूर्नामेंट्स के लिए हर तरह के मोमेंटोज और ट्रॉफीज। मोमेंटोज में आप पा सकते हैं एक्रिलिक, वुडन और ब्रास के मोमेंटोज। साथ ही आप पा सकते हैं मेडल्स और ट्रॉफीज। तो स्कूल, कॉलेज और स्पोर्ट से संबंधित हर तरह की ड्रेसेस के लिए कहीं और क्यों जाना, सिर्फ SRK ट्रेडर्स में ही आना। SRK ट्रेडर्स, फर्स्ट फ्लोर, KCC बैंक, लोअर बाजार ब्रांच, NCS कॉम्प्लेक्स, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। स्लीप वेल गैलरी में हमारे यहाँ उपलब्ध है मैट्रेस की भारी रेंज।
स्लीपर मैट्रेस रखता है आपके आराम का पूरा ख्याल। चुनिए एक ऐसा मैट्रेस जो आपके लिए हो सही। हमारे यहाँ आप पाएंगे डबल बेड की भारी रेंज, अलग अलग आकर्षक डिजाइन में उपलब्ध है बेड। साथ ही आप यहाँ पाएंगे सोफा सेट, अलमीरा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल की भी भारी रेंज। करवटें बदलना छोड़िए, सोना है तो जागिए। हर मैट्रेस हरे के लिए नहीं होता, आपको अपने लिए एक सही मैट्रेस चाहिए और आपका सही मैट्रेस मिलेगा स्लीप वेल के नए माय मैट्रेस रेंज में। साथ ही हमारे यहाँ उपलब्ध है प्लास्टिक की चेयर, टेबल, टंकी, वो क्रॉकरी की हर आइटम। स्लीप वेल मैट्रेस के साथ स्लीप वेल पिलो की भी है भारी रेंज उपलब्ध। अपने घर को सजाने के लिए आए सिवा स्टील इंडस्ट्री सुजानपुर। हमारा पता है सिवा स्टील इंडस्ट्रीज पालमपुर रोड नियर ब्यास बेस सुजानपुर टीला। हमारा नंबर है 9816072060, 9816072060। सपना आपका, मार्गदर्शन हमारा। मिनर्वा सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमारवी, जिला बिलासपुर। आपके बच्चों के सपनों को साकार करने का हम करते हैं वायदा। नर्सरी से लेकर प्लस टू तक के बच्चों को दी जाती है शिक्षा। आपके नन्हे मुन्नों के उज्जवल भविष्य के लिए स्कूल में यूरो किड्स इंटरनेशनल माध्यम से दी जाती है खेल खेल में शिक्षा। अनुभवी एवं क्वालिफाइड शिक्षकों द्वारा किया जाता है बच्चों का सर्वांगीण विकास। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा के बेहतर वातावरण के साथ खेल तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का किया जाता है आयोजन। बच्चों के प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ावा देने के लिए सब्जेक्ट लैब्स के साथ कंप्यूटर लैब्स को किया गया है तैयार। स्कूल में छात्रों की छात्रावास की सुविधा के साथ घर से आने और छोड़ने के लिए बस सुविधा भी है उपलब्ध। हम करवाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी। छात्रों ने बोर्ड तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यालय का नाम किया है रोशन। मिनर्वा स्टडी सर्कल में 9वीं, 10वीं, प्लस 1 व प्लस 2 की कक्षाओं के लिए फाउंडेशन कोर्स की भी करवाई जाती है तैयारी। फुल ईयर कोचिंग प्रोग्राम फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स। स्टूडेंट्स गेट बेस्ट रिजल्ट्स इन जेई, नीट, AIPMT, एम्स एटसेट्रा। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आए मिनर्वा सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमारवी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन में पानी को लेकर चुनावी जंग आरंभ हो गई है, जिसके चलते सोलन में कांग्रेस और भाजपा दोनों आमने सामने खड़ी नजर आ रही हैं। भाजपा ने सोलन में उपजे पानी की समस्या को लेकर जहां कांग्रेस को घेरने के लिए प्रदर्शन किया, वहीं भाजपा ने माल रोड पानी का वितरण पर कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्हें जन विरोधी बताया। वहीं कांग्रेस के सही अध्यक्ष ने इस सभी घटनाक्रम को पॉलिटिकल स्टंट बताया और कहा कि भाजपा अगर जल हितेशी है तो वह माल रोड पर पानी वितरण कर इतिशीरी क्यों कर रही है। अगर वह सही मायने में जनता की हितेशी है तो वह उन क्षेत्रों में जाकर पानी के टैंक क्यों नहीं लगाती है जहां वास्तव में पानी की कमी है। सोलन में पानी को लेकर चुनावी जंग आरंभ हो गई है, जिसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। भाजपा ने सोलन में उपजी पानी की समस्या को लेकर जहां कांग्रेस को घेरने के लिए प्रदर्शन किया, तो वहीं भाजयुमो ने माल रोड पर पानी का वितरण कर कांग्रेस पर निशाना साधा और उसे जन विरोधी बताया। वहीं कांग्रेस के शहरी अध्यक्ष ने इस घटनाक्रम को पॉलिटिकल स्टंट बताया और कहा कि भाजपा अगर जनहितैषी है तो वे माल रोड पर पानी वितरित कर इतिश्री क्यों कर रही है। अगर वे सही मायने में जनता की हितैषी है तो वे उन क्षेत्रों में जाकर पानी के टैंकर क्यों नहीं लगाती जहां वास्तव में पानी की कमी है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद में भाजपा का कब्जा है और नगर परिषद सोलन में पानी वितरण नगर परिषद द्वारा ही किया जाता है, तो ऐसे में शहर को पानी उपलब्ध करवाना नगर परिषद और उसके अध्यक्ष का दायित्व है। अगर सोलन शहर में पानी नहीं आ रहा है तो उसके लिए भाजपा और भाजयुमो नगर परिषद का घेराव करें।
शहरी कांग्रेस के अध्यक्ष जतिन साहनी ने कहा कि भाजपा पानी को लेकर ओछी राजनीति कर रही है, क्योंकि नगर परिषद में भाजपा के 10 पार्षद हैं, उन्हीं का चेयरमैन है। नगर परिषद शहर में पानी की कमी के लिए जिम्मेदार है और यदि नगर परिषद लोगों को पानी देने में असमर्थ है तो उसके चेयरमैन को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। नूरपुर के थोड़ा पंचायत में संतोष सिंह मार्ग का शिलान्यास करते हुए विधायक अजय महाजन ने इस मार्ग के बनने के लिए प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा इस मार्ग के लिए 1,35,00,000 रुपए दिए गए थे, जिसके बाद ये सड़क बनकर तैयार हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकाल में यहाँ पर एक भी ईंट नहीं लगी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने वजीर राम सिंह पठानिया के नाम से स्टेडियम सैंक्शन किया था, लेकिन आज तक यहाँ कुछ नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि नूरपुर की जनता, खासकर नूरपुर के युवा, इनको कभी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि नूरपुर के साथ ये सबसे बड़ा अन्याय भाजपा ने किया है कि ऐलान करने के बावजूद भी यहाँ कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कुछ भाजपा नेता ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि जब भाजपा की सरकार आएगी तो नूरपुर में स्टेडियम बनाया जाएगा। ये सरकार की जमीन है, 5 करोड़ सैंक्शन हो गया है। विधायक ने कहा कि टेंडर हो चुका है और अब भाजपा इसमें अड़चन डाल रही है। महाजन ने कहा कि ये नेता नूरपुर में विकास के मुद्दे पर जो बोल रहे हैं कि नूरपुर में विकास नहीं हुआ, वे उन्हें सलाह देते हैं कि वे अपना चश्मा बदल कर देखें, बाहर जाकर देखें कि नूरपुर में कितना विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले ये बताएं कि अपने कार्यकाल में उन्होंने नूरपुर में क्या किया। मार्ग था शहीद संतोष सिंह जी के नाम का मार्ग था। इस मार्ग के ऊपर बहुत दुख की बात है कि बहुत राजनीति हुई और मतलब पिछले बीजेपी के कार्यकाल में इसमें एक ईंट भी नहीं लगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि 1,37,00,000 रुपये की सड़क जो है ये पूरी होगी। और उससे क्या हुआ था, जब वो सड़क बनी, जो मेन फैमिलीज हैं, जो परिवार हैं, वो छोटी सी सड़क वो रह गई थी, तो मैंने अपनी निधि से ये पैसे देके कि इनकी भी ये सड़क जुड़ जाए, उसका आज हमने शिलान्यास किया। इससे पहले हमने खैर नाला, एक बहुत महत्वपूर्ण गांव है दुई में, उसकी सड़क के लिए भी 25,00,000 की का शिलान्यास किया है। और आगे जो है, आज कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट सड़कें हैं, जो मेलेडी है, हरजन बस्ती है और एक दो और सड़कें हैं। इसके अलावा ये पानी का भी एक सिंचाई का क्या अभी उद्घाटन करना है भलून पंचायत में। तो आज काफी अगला व्यस्त समय है कि काफी इनॉग्रेशन और शिलान्यास आगे करने हैं। बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि ये जो स्टेडियम था, वजीर राम सिंह पठानिया जी के नाम पे ये स्टेडियम सैंक्शन हुआ, जो हमारे इलाके की शान है, योद्धा थे और बहुत बड़ा नाम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने उनके नाम के ऊपर स्टेडियम सैंक्शन किया। ये पहले जो स्टेडियम था, इसको जो पहले 1,84,00,000 का स्टेडियम सैंक्शन हुआ था 2005 में, उसका काम शुरू हो गया था। जब सरकार बदली थी तो उसको काम रोक दिया गया था और 56,00,000 का जो काम हुआ था उसको तोड़ दिया गया था। अब आपका अपना चैनल एसटुडे को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोजाना ताज़ातरीन खबरों के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एसटुडे चैनल और रहे दिन भर खबरों से अपडेट। तो ये था आज हमें कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए एसटुडे साथ। नमस्कार।